कक्षा दसवीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1। प्रश्न तीसरा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? मान लो, सबसे पहले हम इसको कुछ इस प्रकार से हल करें कि मान लो एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे। मान लो कि एक दशमलव पाँच मीटर की ऊंचाई AB, हाइट ली हमने कितनी 1.5 मीटर की, और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनाती है। ये भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना है, वह बिंदु हो गया सी। वह बिंदु कौन सा हो गया? सी। ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बना रहे। अब हमको BC की माप पता करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, माना समकोण त्रिभुज ABC में हम AB बराबरी से, AB की जो माप है वो है 1.5 मीटर, क्योंकि भूमि के साथ 30 अंश का कोण, ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर, हमको फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब कर्ण की लंबाई चाहिए। तो हम में से सब जानते हैं क्या, साइन 30 अंश बराबरी से क्या AB, क्योंकि हम जानते लंब बटे कर्ण, AB इसलिए कि हम जानते क्या लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश की माप हम में से सभी को पता है 1/2, AB भुजा की माप 1.5, और कर्ण भुजा मीन्स AC, जब तिर्यक गुणा हम करेंगे तो A से C की माप होगी, 1.5 में 2 का गुणा होगा तो 3 मीटर। यानी बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगी हम कह सकते हैं, है ना, मतलब ये कौन से 5 वर्ष से कम, उम्र के लिए, काहे की फिसलन पट्टी की लंबाई की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो हाइट रखना चाह रहे हैं वो हाइट है कितनी, 3 मीटर। अभी हाइट रखी थी कितने मीटर, 1.5 मीटर, और जमीन के साथ वो जो कोण बनाना चाह रहे हैं वो कोण होना चाहिए कितना, 60 अंश। तो ऐसी परिस्थिति में साठ अंश का कोण, मान लो इस समकोण त्रिभुज को हम नामांकित कर रहे PQR से, तो क्या अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, अब हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किस में, PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास कौन सी माप, लंब दी है, कर्ण को ज्ञात करना है। यहाँ भी हम उपयोग करेंगे क्या, साइन थीटा का, साइन 60 अंश का कोण, कौन सी भुजा, लंब भुजा बटे कर्ण भुजा, लंब भुजा यानि PQ भुजा, कर्ण भुजा यानि PR भुजा। साइन 60 अंश की माप तो ये होती है कर्णी 3/2 के बराबर, PQ भुजा की माप 3, PR भुजा की माप ज्ञात करनी है,
तिर्यक गुणा होगा। तो हमारे पास क्या होगा, करणी तीन पी आर बराबरी से दो गुणे तीन। अब हम जानते हैं इसलिए हम लिखेंगे पी आर बराबरी से दो गुणे तीन बटे करणी तीन। बटे में करणी तीन है इसलिए इसका हर का परिमेयकरण। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो पी आर भुजा की जो माप आएगी, ध्यान दीजिए, दो गुणित तीन गुणित करणी तीन, बटे में आपके करणी तीन गुणित करणी थी तीन आ गया, एक तीन से ये तीन कट गया और आपके पास किसकी माप, पी आर की माप, ये आ गई कितनी, दो करणी तीन मीटर। अतः कौन से, बड़े बच्चों की, अतः बड़े बच्चों मतलब क्या, पांच वर्ष से अधिक, बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, पी आर बराबरी से दो करणी तीन मीटर। एंडिंग में हम चाहे तो दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार क्या, फिसलन पट्टियों की क्या लंबाइयां कितनी, तीन मीटर और दो करणी तीन मीटर है। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।